हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं दो ही इंग्रेडिएंट से 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनारस की फेमस मिठाई सोहन हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, घर बैठे सोहन हलवे का बड़ी आसानी से एंजॉय कर सकते हैं और आसानी से बना भी सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सोहन हलवे के लिए मैंने 1 कप मैदा और 1 कप मिल्क पाउडर ले लिया है। मैदे और मिल्क पाउडर को एक स्पून से मिक्स कर लेंगे। इधर एक डिश ले लेंगे और उसको घी से ग्रीस कर लेंगे। इस प्रोसीजर को प्लेट या थाली में भी कर सकते हैं। मैंने सारे कुकी कटर को भी ग्रीस कर लिया है। आप खाली ढक्कन में भी कर सकते हैं और आप रिंग कटर में भी कर सकते हैं। बादाम और काजू को बीच से हाफ कर लिया है और अब डेकोरेट कर लेते हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और अब पैन में 1 कप घी डालेंगे और 1 कप शक्कर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में इंग्रेडिएंट इक्वल होने चाहिए। जिस कप या कटोरी से नापिएगा उसी कटोरी या कप से मैदा, दूध, घी, शक्कर बराबर लेना है, जिससे आपका सोहन हलवा परफेक्ट बनेगा। फ्रेंड्स, गैस को एकदम लो रखना है, जैसे मोमबत्ती जलाई जाती सेम उस तरीके से। उसमें घी डालेंगे और शक्कर डालेंगे। धीरे धीरे लगातार उसको चलाते जाएंगे। फ्लेम को तेज़ नहीं करना है, नहीं तो शक्कर जल जाएगी। फ्लेम ऑफ करके थोड़ा ठंडा होने देना है और अब मैदा डालेंगे और लगातार चलाते जाएंगे। सोहन हलवा बनकर तैयार है। हलवे को कुकी कटर में सेट करते हैं। फ्रेंड्स, 2 स्पून ले लीजिएगा, 1 से डालते जाइएगा और 1 से दबाते जाइएगा, हाथ को नहीं टच करिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत एफर्ट्स करती हूँ। सो प्लीज़ अपना आप फीडबैक हमें ज़रूर दें। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। वाओ, घर पर बनके बड़ी आसानी से बनारस का फेमस सोहन हलवा बनके तैयार है। फ्रेंड्स, घर तो घर, पड़ोसी भी यकीन नहीं कर रहे थे कि आपने इसे घर पे बनाया है। बहुत ही डिलीशियस यमी हलवा बनकर रेडी हुआ है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को फुल वॉच करें और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल मम्मी के जायका को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।